नमस्कार दोस्तों, रसोई एक्सप्रेस में आज बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी चावल की खीर, जिसे आप किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, तो सबसे पहले जितने भी दूध का खीर बनाना है उसे एक बार उबाल लें दूसरे बर्तन में, जिससे क्या होगा, अगर उसी बर्तन में उबालेंगे तो वो नीचे चिपक सकता है और खीर बनाते समय वो जल सकता है, तो इसलिए पहले से उबाल लें। तो ये मैंने 1.5 लीटर दूध उबाल लिया है पहले से। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, फुल फैट क्रीम भी ले सकते हैं या क्रीम निकला हुआ दूध भी ले सकते हैं। मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गीला कर दूंगी, जिससे दूध डालते समय वह चिपकेगा नहीं। एक बार तो मैंने उबाला था पर फिर भी दूध है, चिपक सकता है। ये दूध इसमें डाल देती हूँ, एक बार तो उबाला है मैंने, फिर भी अभी एक उबाला लेना है, तो मैं थोड़ा दूध बचाऊंगी, वो बाद में काम आएगा। मैंने इतना दूध बचाया है अभी, तो 1.25 लीटर के जितना मैंने दूध डाला है ये बचाती हूँ, बाद में डालेंगे, और इसमें जो मलाई है वो भी बाद में डालेंगे। अब इसे तेज आंच में एक बार उबाल लेंगे और चम्मच से हिलाते रहेंगे। तो मैंने तेज आंच कर दी है, अभी इसको उबलने देते हैं और बीज इसमें चला लेंगे चम्मच से। मैं ले रही हूँ बासमती राइस है, ये थोड़े से टुकड़े हैं इसमें, एकदम लंबे वाले नहीं हैं, और 3/4 वाला टुकड़ा है ये बासमती का। तो बासमती राइस से ही बनाने से सुगंध बहुत अच्छी आती है, तो मैं बासमती राइस ले रही हूँ। और 1 लीटर दूध अगर ले रहे हैं तो 1/4 कप चावल लेना है, पर मैं ज़्यादा बना रही हूँ 1 लीटर से, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, ये 1/4 कप, और ये थोड़ा सा और ले रही हूँ मैं। अभी इसमें एक दो बार मैं दूध को हिला लेती हूँ। अब इसमें पानी डाल के इसको 2-3 बार धो लेंगे, इसको मैं 2-3 बार धो लेती हूँ। चावल को मैंने 2-3 पानी से धो लिया है। चावल को आधा घंटा पहले से भिगो के पानी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी में बासमती राइस की खुशबू आ जाएगी और वो पानी फेंकना पड़ेगा, तो सारी खुशबू पानी से निकल जाएगी और खीर में राइस की खुशबू नहीं आ पाएगी, इसलिए पहले से धो के नहीं रखना। जब दूध उबालते हैं अपन तभी धोने का, और दूध उबलते ही इसमें चावल डाल देना है। दूध उबल गया है, अब मैं कम कर देती हूँ अभी, और ये जो चावल अपन ने धो के रखे थे वो डाल देते हैं इसमें। अच्छा, चावलों में थोड़ा हल्का सा गिलास रहना चाहिए पानी का, नहीं तो और जाते ही वो चिपक जाते हैं, तो इसलिए पहले मैं थोड़ा हिला देती हूँ। तो जब भी चावल डालो तो फटाफट से उसको चम्मच से हिला लो, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं चावल। अब थोड़ी देर तक चावलों को इस तरह से हिलाते रहेंगे, जब तक कि चावल थोड़े अच्छे छुट्टे से होने नहीं लग जाए, तो ऐसे हिलाते रहेंगे। आँच को मैंने कम रखी है, अब चावल को पकने देंगे दूध में, जिससे चावल दूध भी थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा और चावल भी पकते रहेंगे, तो थोड़ी देर टाइम लगेगा इसको, तो धीमी आंच में ही बनाना है इसको, क्योंकि अपन ने तुरंत चावल को भिगोया नहीं है, बिना भिगोए डाला है, इसलिए धीमी आंच में ही बनाना। तेज आंच में अगर बनाएंगे तो जल्दी से दूध तो गाढ़ा हो जाएगा और चावल पक नहीं पाएंगे। अगर आपको जल्दी है तो थोड़ा सा चावल को पहले से भिगो के रख दो, पानी डाल के रख दो और फिर दूध में डालो, और जल्दी जल्दी अगर बनाना है तो तेज आंच में बनाओ और लगातार हिलाते रहो। मैंने कम आंच में रखा है, कम आंच में बनी हुई खीर बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसी तरह से बनाएं। थोड़ी सी केसर ले रही हूँ, थोड़ा सा केसर के धागे इसमें डाल देती हूँ और हिला लेती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे इसमें से कलर निकलने शुरू हो जाएगा। मैंने 3 इलायची को बारीक पीस लिया है, तो अब ये फ्लेवर के लिए मैं डालती हूँ, तो जितना फ्लेवर पसंद है 4 इलायची या उस हिसाब से पीस के और डाल दें और मिक्स कर लें अच्छे से। चावल पहले से काफ़ी पक गए हैं, आधे तो पक गए हैं चावल, पर अभी पूरी तरह से ये चावल नहीं बने हैं, तो इन्हें और अभी धीमी आंच में इस तरह से हिलाते रहें, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और रखेंगे। अभी मैं बना रही हूँ ज़्यादा दूध वाली खीर, एक कम दूध वाली खीर भी बनती है,
जिसमें चावल ज़्यादा होते हैं और दूध कम होते हैं, तो उस चावल को पहले से पका लिया जाता है और फिर दूध गर्म करके उसमें डाल दिया जाता है और 5 मिनट उसे थोड़ा गाढ़ा करके और शक्कर डाल दी जाती है। पर मैं बना रही हूँ ज़्यादा दूध वाली यानी दूध पाक, ये मैं दूध पाक बना रही हूँ, या फिर कई जने बासुंदी भी बोलते हैं इसको, चावल की बासुंदी, तो वो बना रही हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। चावल आधे से ज़्यादा पक गए हैं, ये देखो अभी थोड़ा सा और पकाना बाकी है। ये जो दूध बचाया है उसे डाल देती हूँ और मलाई बाद में डालेंगे जब खीर पक जाएगी तब। पहले से मलाई डालते हैं तो उसका घी छूट जाता है। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा गाढ़ा होने के लिए और रहने देते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहले से चावल काफ़ी फूल गए हैं पर अभी और पकाना बाकी है तो थोड़ी देर और रखते हैं। मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, इसे धो लेते हैं। किशमिश को मैंने पानी से धो लिया है, अब खीर में डाल देते हैं। किशमिश को पहले से नहीं डालना चाहिए, किशमिश नहीं तो बहुत गल जाती है। किशमिश खीर के टेस्ट को बढ़ाती है और फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। आधा से ज़्यादा दूध गाढ़ा हो गया है, देखो चावल फूल कर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चावलों में भी अच्छे से दूध की कोटिंग हो गई है और चावल भी अच्छे से पक गए हैं। जब चावल अच्छे से पक जाए तभी शक्कर डालना है। अब इसमें डालेंगे आधा कप शक्कर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक शक्कर गले नहीं तब तक इसे लगातार हिलाते रहेंगे, तभी शक्कर अच्छे से गलेगी और दूध भी साथ में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। शक्कर भी थोड़ा पानी छोड़ता है तो थोड़ा सा पतला भी हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे। और चावल शक्कर लेंगे तो थोड़ी चावलों में मिठास भी आएगी। अभी देखो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है, ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है। बचा हुआ थोड़ा सा दूध और ये मलाई, ये भी डाल देती हूँ इसमें, सब डाल देती हूँ। अब थोड़ा सा और पका लेंगे और फिर ये खीर बन जाएगी। तो मलाई इसलिए बाद में डालते हैं, पहले से अगर मलाई डाल दें तो घी छोड़ने लगता है, तो ऊपर घी भी आ जाएगा फिर। तो अभी थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे तो कम घी छूटेगा, मलाई से भी टेस्ट अच्छा आता है खीर का, इसलिए डाल देते हैं। अब मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ उसको, क्योंकि वो दूध पहले का ठंडा था, तो जल्दी से गर्म हो जाएगा और गाढ़ी हो जाएगी खीर अच्छे से थोड़ी, और जो वो दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तेज़ कर रहा है इसलिए मैं इसे लगातार हिलाती जा रही हूँ। खीर बन गई है और इसी तरह का गाढ़ापन होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठंडा होने के बाद खीर और गाढ़ी हो जाती है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसमें मैं कुछ बादाम के टुकड़े डाल देती हूँ और कुछ पिस्ते के टुकड़े डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट हमेशा खीर बनने के बाद ही ऊपर से डालना चाहिए। अब खीर पूरी तरह से परोसने के लिए तैयार है और कलर देखो क्या शानदार आया है इसका, देखते ही बस खाने की इच्छा हो जाए। या किसी भी ओकेज़न में बनाई जा सकती है। और अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं तो पितरों को यही भोग लगाया जाता है खीर का। टेस्टी खीर बनाने में मुझे सिर्फ 1 घंटा ही लगा और खीर अच्छी बनकर तैयार हो गई। गाढ़ी गाढ़ी खीर बनकर तैयार हो गई है और आप इसी तरह से एक बार खीर बना के देखो और आप खाएंगे तो आप सारी मिठाई भूल जाएंगे इसके आगे। इतनी टेस्टी लगती है इस तरह से बनाई हुई खीर, तो आप इसे किसी त्यौहार में बना सकते हैं, मेहमान आए जब भी बना सकते हैं, तो हर ओकेज़न के लिए यह खीर बहुत ही अच्छी लगेगी। ये सभी मिठाइयों को मात करने वाली खीर है।